नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शरीर से अनचाहे बाल हटाने के घरेलू नुस्खे, इसके कारण, इसके लक्षण और ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम अनचाहे बालों को हटा सकते हैं। दोस्तों, शरीर से अनचाहे बालों को कैसे हटाएं, यह एक काफ़ी गंभीर प्रश्न होता है। दोस्तों, इंसान हो या जानवर, बाल सभी के शरीर पर होते हैं। इन छोटे छोटे बालों को रोम भी कहा जाता है। ये बाल दरअसल शरीर की धूल, मिट्टी व तापमान से रक्षा के लिए होते हैं। लेकिन सुंदर शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल, अनचाहे बाल, किसी के लिए भी परेशानी का कारण बन सकते हैं। इन बालों के कारण शरीर का रंग भी ढल जाता है। इसलिए चाहे महिलाएं हो या पुरुष, सभी अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए अनचाहे बालों से मुक्ति चाहते ही हैं। तो दोस्तों, उपाय बताने से पहले जान लेते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, अनचाहे बाल क्यों आ जाते हैं शरीर पर। तो दोस्तों, सभी के शरीर पर बाल होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के शरीर पर ये बाल बहुत ज़्यादा होते हैं। शरीर पर अनचाहे बाल आने के कारण अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, शरीर में हार्मोन बैलेंस ना होने के कारण शरीर पर अनचाहे बाल आने की समस्या बढ़ जाती है। दोस्तों, दूसरा कारण है महिलाओं में एंड्रोजन हार्मोन की बढ़ोतरी होने लगती है, यानी कि वृद्धि होने लगती है। इस कारण भी अनचाहे बाल आने लगते हैं। इसका तीसरा कारण है कि पॉलीसाइटिक ओवरी सिंड्रोम भी इसका एक कारण हो सकता है। इसके अलावा एंड्रिनल ग्रंथि पर ट्यूमर होने पर भी यह समस्या होने लगती है। और इसका जो आखिरी कारण है वह है इंसुलिन प्रतिरोध आदि इसके मुख्य कारण हैं। अब बात करते हैं इसके लक्षण क्या क्या हैं, किस तरह से इसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, चेहरे पर असामान्य रूप से बाल आ जाना, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल ना हो। इसके अलावा थोड़े समय में अचानक बहुत शरीर पर बहुत सारे बाल आ जाना, मतलब कम से कम टाइम में आपके बहुत सारे शरीर में अचानक से बाल उग जाएँ, तो यह भी इसका एक लक्षण है। इसके अलावा शरीर में अगर बाल बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हो, तेज़ी से बढ़ रहे हो, तो यह भी इसका एक लक्षण है। इसके अलावा आवाज़ का मोटा होना, मांसपेशियों में परिवर्तन होना व अनचाहे बालों के साथ पिंपल्स भी आ जाना, यह भी इसका एक मुख्य लक्षण माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके तरीकों की कि किस प्रकार इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, प्लूमिक स्टोन यह एक तरह का पत्थर होता है जो कि बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, प्यूमिक स्टोन नहाने से पहले आपको अनचाहे बालों पर रगड़ना होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपके अनचाहे बाल खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो कि है कुछ घरेलू उपाय। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहला घरेलू उपाय आता है बेसन और दही का। दोस्तों, इसके लिए आपको बेसन में दही मिलाकर पेस्ट बना लेना है। फिर इस पेस्ट को आपको अपने अनचाहे बालों पर लगाना है। आप कुछ देर बाद इसे रगड़कर निकाल देना है। उसके बाद आपको अपना चेहरे को धो लेना है। अगर आप रोज़ाना ऐसा करते हैं तो आपके अनचाहे बाल धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं एक आयुर्वेदिक तरीके की। दोस्तों, इस नुस्खे को अपनाने से पहले आपको एक बार बालों को जड़ से निकाल लेना है। उसके बाद तना का पाउडर, थोड़ा सा कुसुमा तेल मिलाकर इसमें आपको पेस्ट बनाना है। इस पेस्ट में थोड़ा हल्दी पाउडर भी आपको मिला लेना है, ऐड कर लेना है। जहाँ भी अनचाहे बाल हो आपको वहाँ पर इस पेस्ट को लगाकर सूखने देना है। फिर थोड़ा सा कुसुमा तेल लगाना है। यह उपाय आपको रात को करना है। रात भर इस पेस्ट को आपको अपने बालों पर, अनचाहे बालों पर लगा रहने देना है और फिर सुबह इसे धो लेना है। आप देखेंगे दोस्तों कि धीरे धीरे आपके जो अनचाहे बाल है वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे और इससे आपको निजात मिल जाएगी। अब बात करते हैं अगले घरेलू उपाय की, जो कि है शहद और नींबू का। दोस्तों, इसके लिए आपको शहद, नींबू और चीनी का मिश्रण तैयार करना है। इस मिश्रण को गर्म करके हाथ व पैरों पर आपको लगाना है। कॉटन की पट्टियों को इस मिश्रण पर चिपका कर निकालना है। इससे आपके जो अनचाहे बाल है वो हट जाएंगे। बात करते हैं अगले तरीके की, जो कि ये चीनी और नींबू का रस मिलाकर आपको इस मिश्रण को लगाकर धीरे धीरे हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में मसाज करना है। 15 मिनट तक लगा रहने देना है, फिर चेहरे को धो लेना है। दोस्तों, इस नुस्खे को नियमित रूप से आपको अपनाना है, इससे आपके अनचाहे बाल खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ और तरह के तरीकों की, जो कि काम आते हैं
अनचाहे बालों को निकालने के। पहला तरीका आता है दोस्तों थ्रेडिंग का। दोस्तों थ्रेडिंग एक ऐसी विधि होती है जिसमें धागे से अनचाहे बालों को हटाया जाता है। इस विधि से आपको थोड़ा दर्द जरूर होता है लेकिन इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। बात करते हैं अगले तरीके की जो कि होता है वैक्सिंग का। दोस्तों यह अनचाहे बाल निकालने का सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका है। आप में से बहुत सारे लोगों ने भी इस तरीके को आजमाया हुआ है जिसमें एक विशेष प्रकार का घोल जो कि मोम से बना होता है इससे आपके बालों को निकाला जाता है। अब बात करते हैं एक और तरीके की जो कि है थोड़ा मेडिकली तरीका जो कि होता है लेज़र तकनीक वाला। दोस्तों अनचाहे बाल हटाने की यह तकनीक महंगी है लेकिन इससे एक बाल निकलवाने के बाद उनसे आपको मतलब आपको हमेशा के लिए अनचाहे बालों से छुटकारा मिल जाता है इस लेज़र तकनीक का अगर आप उपयोग करते हैं तो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको बताया कि अनचाहे बालों को आप किस किस प्रकार से निकलवा सकते हैं। हमने आपको कुछ घरेलू नुस्खे भी बताए हैं जिनको भी अपनाकर आप अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं और इसके क्या क्या मेडिकली तरीके भी होते हैं जिससे आप इसको अपनाए जिसको अपनाकर आप इन बालों से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि इस चैनल में मैं आपके लिए इसी प्रकार की विशेष जानकारियाँ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।